हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का दिन मतलब ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। लघु उद्योग खोला है उसका एक मेला लगाया गया है हमारे गोलापार कुंवरपुर में, तो वहाँ पर आई हुई हूँ अभी मैं। देख सकते हैं कुछ ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, को सारे के सारे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं ये यही की महिलाओं ने ओपन करे हैं। इसमें सारा का सारा घरेलू उत्पाद जो मतलब घरेलू हाथ से हैंडमेड चीज़ें हैं, तो अभी आप लोग को एक एक करके मैं सबसे मिलाऊंगी। तो मैम अपना नाम बताएंगी प्लीज़। मैम मेरा नाम गंगा जोशी है जी। आप कहाँ से हैं? मैं हल्दीचौर क्षेत्र से हूँ। महिलाएं जो है ये सारा हमारा समूह SHG जो काम करता है ये हैंडमेड प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट में है, आपको वैसे दिखाती हूँ, सॉफ्ट टॉयज है, ये ऊन से बनता है जी। इसके अंदर कोई वो ये रेक्रोन थोड़ा वो डालते हैं, लेकिन ये सारा वूलन उसमें है, इसको बिनाई से बनाया जाता है। और ये हमारे जैसे स्वेटर्स हैं ये भी हैंडमेड है हमारी। हमारे वहाँ मुंगोड़ी है, मूंग दाल से बनती है। और हमारे यहाँ बड़ियाँ हैं, इसमें बड़ियों में भी हमारी तीन आती हैं, जैसे ककड़ी की बड़ी। तो ये जब बड़ी बनाने में आपने वो या तो सीले में पीसा है कि ये मिक्सी में? हाँ मैम, ये सीले में भी, मतलब सीले में पीसना थोड़ा टफ होता है क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें तैयार करना है, प्लान करना है, तो हमें क्या होता है हम लोग इसको मिक्सी में मिक्स करते हैं। हाँ, और ये हमारी हर्बल धूप है, ये भी हमारे घर पे ही बनती है, घर पे बनी हुई है, हैंडमेड है। हाँ, इसमें जैसे फ्लावर्स के फ्लेवर वगैरह आते हैं, फ्लावर्स वगैरह सुखा के उनको बनाते हैं हम लोग। और ये हमारा हैंडमेड अचार हम लोग जो घर पे तैयार करते हैं बिल्कुल शुद्धता के साथ। ये हरी मिर्च का अचार है हमारा, और ये हमारा करेले का अचार है। हमारे यहाँ मतलब प्योरिटी के साथ ही बनेगा जो कुछ बनेगा, पहाड़ी मसालों के साथ। ये हमारा लहसुन का अचार है, ये लहसुन का अचार है। और हमारे यहाँ ठंडियों के लिए देखिए ये बैंड तैयार हुए हैं, ये महिलाओं को सारे आप लोगों ने खुद से हैंडमेड है। हमारे क्या है, महिलाएं पहनने में भी थोड़ा सा वो रहता है कि टोपियां पहनने में, थोड़ा आज के जमाने में स्टाइलिश है, तो उसके लिए हमने थोड़ा स्टाइल किया है कि ये थोड़ा सा चेंज किया है। एक हमारे यहाँ देखिए जूट बैग तैयार हो रहे हैं, ये भी अलग अलग प्रकार के, जैसे हैंड बैग, छोटे बैग, बड़े बैग कैरी, ये भी हमारे हैंडमेड ही है सारे। अच्छा, हाँ जी, ये भी हैंडमेड है? हाँ जी, ये हैंडमेड है, हमारे यहाँ जूट का पूरा प्रोसेसिंग होता है। अच्छा, हमारे यहाँ यूनिट है, देखिए हमारे यहाँ पिछौड़े जो हमारे कुमाऊनी पिछौड़े होते हैं, ये काम भी हमारे यहाँ यूनिट है। अच्छा, ये भी हमारे वहीं तैयार होते हैं। ये पिछौड़ी जैसे चिकनकारी वर्क है, इसमें स्टोन्स लगते हैं, ये कपड़ा बनता है, ये लेसेस वगैरह सिलाई करते हैं, तो महिलाओं को रोजगार भी मिलता है इसके साथ, और दोनों काम होता है कि ये हमारा मतलब एक प्योर हमारा अच्छा सामान बन रहा है इसमें है। बाकी हमारे देखिए ये कास की घास जो बोलते हैं उससे बनते हैं प्रोडक्ट, फ्लावर पॉट है ये। हाँ, तो महिलाओं को रोजगार भी है, ये घास का प्रयोग करके वो बढ़िया अच्छे से इसको डिजाइन करते हैं, ये भी हमारे रोजगार में आता है, महिलाओं को रोजगार मिलता है इससे भी। और वो जो टोकरी वगैरह रखी है वो भी सब है? हाँ मैम, ये भी सब कास उसकी है, ये तो रोटी बॉक्स है। हाँ जी, ये रोटी बॉक्स है, इसमें हमारा और भी प्रोडक्ट है। ये बड़ा सही लग रहा है, 50 रुपए दे दो। ये हमारा ट्रे है, इसपे ये मैम 400 रुपए का है। अधिकतर जो भी आपको हैंडमेड चीजें चाहिए, टोपी है, बैंड है, सॉक्स है, वूलन से रिलेटेड स्वेटर्स हैं हमारी बहुत सारी, मफलर्स हैं। और हमारी मैम ये देखिए एक चीज, दिवाली के उपलक्ष में हम लोगों ने ऊन से ये माला तैयार करी है, तो ये देखिए बिल्कुल रियल उसमें लगेगी आपको। हाँ, ये वॉशेबल भी है, और देख लीजिए इसको बनाने की जो सुंदरता, महिला जो काम करी बिल्कुल सफाई के साथ कर रही है। एक मैं आपको तोरण दिखाती हूँ, ये देखिए मैम, ये हमारी डेली के लिए तोरण है, ये भी ऊनी प्रोडक्ट है, और ये मतलब हाथों से अपने मतलब महिला को रोजगार के साथ साथ एक काम का वो भी है कि उनको भी जैसे हम मार्केट दे रहे हैं तो उनको टैलेंट भी बढ़ रहा है, जो अंदर ही रह गई थी चीजें ना काम का, तो ये महिलाएं तैयार करें, हम उसको बाहर सेल कर रहे हैं। हमको एक मार्केट प्लेस में मतलब ये है कि सबके माध्यम से अगर हमें थोड़ा और आगे काम बढ़ाना है, तो आपका भी जो ये माध्यम है हमारे लिए बहुत ही श्रेयजनक कहेंगे हम इसको, कि इससे भी हमारी मार्केट हाँ, आगे बढ़ेगी। तो मैं ये कह रही हूँ जैसे अभी तो आप लोग यहाँ सेल में बेच रहे हो, दो मतलब दो दिन के मेले में। हाँ जी, तो अगर आपको इसको आगे वैसे इसको तो कैसे बेचते हो आप इसको? मैम देखिए, हम स्टॉल वाइज भी इसको हम सेल कर रहे हैं, बाकी हमारे कॉन्टेक्ट बेस जाते हैं कि जैसे हमारे कॉन्टेक्ट, हमारा हिलांस स्टोर है, हमारा गैस गोदाम रोड में हमारा हिलांस स्टोर करके है पूरा, उसमें ये जितना भी प्रोडक्ट है वहाँ स्टोर किया गया है कुसुम केड़े से। तो अगर किसी को बाय करना हो तो लेना हो तो मैम कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हैं आप। तो आप कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बता दीजिए मैम, 9760052031, ये मेरा नंबर है। मैं अपने माध्यम से अगर जिसको भी कॉन्टेक्ट करना, हिलांस स्टोर का पूरा मैं कॉन्टेक्ट दे सकती हूँ। तो वहाँ पर तो अवेलेबल है ना, वहाँ पर जाके लोग ये सामान जितना भी आपने यहाँ, और किसी को अगर ऑनलाइन लेना हो, ऑनलाइन भी ऑर्डर हो जाता है उसका, हम कुरियर वगैरह करवा देते हैं ना। हाँ जी,
तो यही नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हो जाएगा? जी जी, हम कुरियर करवा देंगे। दोस्तों जैसे भी आप लोग को मैंने एक स्टॉल तो दिखा दी, वहाँ के बारे में आपको बता ही दिया सब कुछ, तो अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। तो ये तो हमारे यहाँ के हैं, पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम गुंजन ब्रजवासी। और आप कहाँ से हैं? मैं गोलापार खेड़े से। खेड़े से? अच्छा, मतलब हम कुंवरपुर से नीचे के या ऊपर के हैं? ऊपर के हैं। पशुपति स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ मैं, अध्यक्ष हूँ समूह की जी। और मेरा धूपबत्ती का और ये हवन कुंड का अगरबत्ती का काम है। ओके, तो ये सारा का सारा होममेड है? होममेड है ये। हाँ, तो आप लोगों ने खुद से बनाया है ना? तो इसमें बनाया है, इसमें क्या क्या, क्या लगा कुछ आप बता सकते हैं? गाय का गोबर है इसमें, लकड़ी पाउडर है, जिगत पाउडर है, और इसमें दो चार चीज ऐसी पड़ती है जो मतलब चिपकाने का जलाने का काम करती है। जी जी जी। तो इसमें क्या क्या है आपके पास बताएंगे इसमें क्या क्या है? ये तो हमारी चंदन की धूप है, चंदन की धूप। ये रोज की धूप है जी। और ये मोगरा की है, और वैसी सेम ये भी है, और ऐसी सेम एक चीज हवन कुंड बना है, इसमें पूरी सामग्री पड़ी हुई है। अच्छा, इसको आप शनिवार और मंगलवार को आप इसको जला के पूजा कर सकते हैं। इसको पूरा मतलब ये पूरी चीज जलती है ऊपर से नीचे तक, पूरी ये किसी चीज में रख के आप पूरा जला सकते हैं इसे जी। अच्छा, और आज हमने गुलाब जामुन, रसगुल्ले और नींबू का सन्ना, पहाड़ी। अच्छा, पहाड़ी सन्ना वो सब बनाया है आपने? हाँ, बनाया नहीं है, रेडीमेड उसी समय। अच्छा, अभी बना रहे हो? बस ऑर्डर आ रहा है तो बना करके देते रहे। अच्छा अच्छा, तो मैंने तो मिस कर दिया ये सब, क्योंकि आज मैं हबीक में हूँ। देख सकते हैं खा रहे हैं बच्चे यहाँ पर। कैसा हो रहा है बच्चों? अच्छा हो रहा है, टेस्टी हो रहा है, मजा आ रहा है, चटपटा। अच्छा, यहाँ पर तैयारी करी जा रही है नए के लिए, ऑर्डर आ गया होगा। तो बस यही है ना? और ये अच्छा, और ये भी है वसुंधरा, ये धूप है, ये दूसरे समूह की है, दूसरे समूह की। अच्छा, मतलब ये भी हमारे पे रख गए हैं, अभी है नहीं यहाँ पे, हमने बोला आते रहिए। ये ग्राम संगठन की है, जैसे समूह होता है, समूह का नौ गठनों का एक, नौ समूहों का एक गठन बनता है, उसे ग्राम संगठन कहते हैं। ये ग्राम संगठन के थ्रू बना गया है जी। जैसे हमारा तो समूह का काम हुआ, ये गठन का काम है, संगठन का काम है। इन्हें धूप भी, ये धूप हो गया, अगरबत्ती मोमबत्ती इन्होंने भी बनाई है। तो इसके अंदर गुलाब जामुन भी दिख रहे हैं, यहाँ रसगुल्ले, रसगुल्ले भी हैं। अच्छा, छेने? हाँ, छेने छेने। ओके, तो थैंक यू मैम, आपका धन्यवाद बहुत बहुत बताने के लिए। तो अगर आप ये सामान आप ऑनलाइन भी बेचते हो? हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर आया तो किसी का तो बेच सकते। तो ऑर्डर के लिए कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह कुछ? मेरा 8859273552। और मतलब ऑनलाइन ऑर्डर भी हो जाएगा, और अगर कोई यहाँ से लेना चाहे, गोलापार में से कोई लेना चाहे, केड़े में से, तो फिर तो मैं खुद ही जाके देते आती हूँ। इसी नंबर पे कॉल करना होगा? कॉल करके, कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्या जरूरत है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी आ गई हूँ मैं फोर्थ स्टॉल पे, तो इनसे बात करते हैं, ये कहाँ से है और इनका नाम पहले तो। मेरा नाम शीतल आर्या है, मैं शिव शक्ति समूह की हूँ। और कहाँ से? ये बसंतपुर से। बसंतपुर से? हाँ, बसंतपुर नीचे। हाँ हाँ, और हमारा ग्राम संगठन मंगलम है जी, इसकी अध्यक्ष गीता मैम है जी जी। हाँ, तो आप बताएंगे कि ये सामान मतलब होममेड है, आपने कैसे बनाया है और क्या क्या है आपके पास? इसके हमें सांचे आते हैं, इनके मशीनें आती हैं, तो उसमें बनाते हैं। आप लोग खुद से बनाते हो? हाँ, खुद से बनाते हैं हम, समूह में महिलाएं मिलकर। समूह में महिलाएं मिलके हम सब बनाते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो ये सारी, ये भी सब, ये सब हमने अपने हाथों से ही बनाई है। अच्छा, ये सारी डिजाइन वाली भी आपने? हाँ, ये सब ये है, ये तो आप लोग देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं इनसे। और क्या है? कैंडल के अलावा? कैंडल है, दाले हैं। तो ये दाले भी सब आपके घर की है? हाँ, सब घर की, सब घर की। और ये शहद है। ये क्या चीज है? अच्छा, शहद। हाँ, शहद ये कौन सा वाला है, वो जो बॉक्स वाला आता है वो है या जाले वाला है? बॉक्स वाला है। हाँ, अच्छा, जो पहाड़ में होता है, ये तेज पत्ता वगैरह, शीशम वगैरह ना, ये वे वाले फूलों के। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो अगर कोई आपसे ये लेना चाहे सामान, तो उसके लिए आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर या? हाँ हाँ हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर देंगे अपना, 7500-3243-41 जी। अच्छा, और ये दाले वगैरह लेने के लिए भी ना? हाँ, ये हमेशा अवेलेबल रहती है आपके पास? हाँ, हमेशा अवेलेबल रहती है ये सारा सामान ना? हाँ, सारा सामान। तो आप लोग देख सकते हैं दाले कौन सी कौन सी है, एक तो ये भट्टा। हाँ, ऑनलाइन भाभी बता दो। तो इनके पास आपको अवेलेबल हो जाएगा ये मक्के का आटा है, और ये काले भट्टे हैं, काले भट्टे। तो इसकी दाल की रेसिपी मैंने आपको डाली भी है यूट्यूब में, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। अगर किसी को चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकता है इनके नंबर से। और ये काली मांस है और ये हरी मांस है। अच्छा, हाँ, मांस है? हाँ, ये दोनों ही मांस है, ये हरी है। घर पे हुए हैं? हाँ, घर पे हुए हैं। हाँ, और ये चने की दाल? ये चने की दाल है। रेट भी बड़े अच्छे हैं इनके, देख सकते हैं आप लोग, 60। और ये आधा आधे किलो के पाउच, ये सब? हाँ, आधे किलो के पाउच है। तो दोस्तों अगर आप लोग को इनसे ऑनलाइन कुछ भी लेना है, तो आप लोग इनके नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो ये आपको पोस्ट द्वारा भेज देंगे। हाँ, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। पोस्ट वगैरह कर सकते हो ना आप? हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको घर पे मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया के कोने में बैठे तो वहाँ से मंगा, मतलब जो हाथों से बना है उसका।
तो अब चलते हैं वगैरह हम गोटे खुद ही लगाते हैं। अच्छा ये खुद से बना रखा आपने? ये बड़ा सुंदर लग रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, अगर किसी को पिछौड़ा चाहिए, आप लोग मेरे से कह रहे थे ना अपनी शादी का पिछौड़ा कहाँ से लिया क्या लिया बताओ मुझे, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा ऐसी है सेम, आप लोग ले सकते हैं यहाँ से, इनसे ऑर्डर करवा सकते हैं तो आपके घर पर पहुँच जाएगा। किसी को भी पहाड़ी पिछौड़ा चाहिए तो रंगीली वाला। थैंक यू मैम। तो दोस्तों अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल के, यहाँ पर करते हैं आंटी से बात, तो वो बताएंगे आपको अपनी रेमेडीज के बारे में, होम रेमेडी जो उन्होंने घर में बनाया है खुद से। तो पहले तो अपना नाम बता दीजिए प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम किरण पुराणिया है, मैं गौरा स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। हमने ये आज यहाँ पर, मैं सुंदरपुर बेलवाल गोलापार से। गोलापार से जी। अच्छा तो ये भी गोलापार वाली है जी, तो ये हमारे वहीं की ठहरी। अब बताइए फिर आगे का। ये हमारा घर का प्रोजेक्ट है, हमने मडुआ घर में ही अपना खेतों में तैयार करा और घर की ही चक्की से इसको तैयार करके पैकिंग खुद अपने हाथों से पैकिंग की। अच्छा मडुआ हो गया आपके पास जी, और क्या है? और भट्टे हमारे, ये भी हमारे खेतों का ही उत्पाद है। हाँ। और हमने घर में ही पैकिंग करके साफ सफाई अपने घर ही मशीन में मार के पैकिंग की है। तो देख सकते हैं आप लोग इनने पैकिंग वगैरह कितनी अच्छी कर रखी है। और इनके रेट कितने हैं जी? ये 35 रुपए का है आधा किलो, 70 रुपए किलो है। हाँ, और ये 40 रुपए का आधा किलो। आधा किलो तो आधा आधा किलो के पाउच बने हुए हैं। और ये क्या है? ये मूंगोड़ी, मूंग की बड़ी है ये। अच्छा, धुली हुई मूंग की बड़ी है ये जी। ये भी आपने घर पे बनाई है? ये घर पे बनाई है। और ये? ये पापड़ की बड़ी, अरबी के। अच्छा, जो अरबी के पत्ते होते हैं उसकी बड़ी, लकड़ी होती है जो ना, डंठल, उसके उसके पत्तों की बड़ी। ओके, ये अलसी है। ये तो ये सब आपने घर पे तैयार करा है ना? ये घर पे तैयार किया हुआ। अच्छा, ये घर की हल्दी है। तो आप लोगों को मतलब वो रहता है ना, मतलब सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि नमक वगैरह कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, तो आप लोग इनसे बाय कर सकते हैं पिसा हुआ नमक। तो ये भांग का नमक दिख रहा है यहाँ पे, ये अलसी का नमक है, अलसी का नमक, भांग का नमक, और दो ही नमक है ना अवेलेबल जी। बिक गए ना कल, भंगेरे का भी बनाया था। अच्छा, और भी होते हैं मतलब? जी जी, भंगीरे का भी बनाया था, वो बिक गया। और ये क्या चीज है? ये अलसी है। अलसी ना जी। अच्छा, इसको बालों में भी यूज करते हैं? शायद भी हमारे घर का प्रोजेक्ट है, ये घर पे ही बनाते हैं। अच्छा। उत्पाद घर का ही है। हाँ। प्योर। और ये शहद वगैरह? जी, घर का ही है ये। घर का है, पहाड़ से है जी। अच्छा, ये वो वाला है क्या, जाले वाला? जाले वाला, बॉक्स वाला है? जालो वाला, पहाड़ों में जालों में लगाते है ना घरों में। अच्छा अच्छा, तो आप लोग इनसे बाय कर सकते हैं। इनने पहाड़ से मंगाया तो पहाड़ वाला तो प्योरिटी रहती है, क्योंकि ये जाले वाला होता है तो इसमें चीनी इनी का कोई वो नहीं रहता। नहीं, 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 तो जो तो आप लोग को कभी आप लोग पहाड़ आओ तो रोड में बेचने के लिए शहद वाले बैठे रहते हैं ना, तो उनसे कभी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीनी वाला होता है। अच्छा, वो बॉक्स में चीनी खिला के शहद बनाते हैं उसको, तो ये जो बॉक्स वाला होता है ये महंगा भी काफी होता है। इसकी क्या प्राइस है? 250 का, 500 रुपए सस्ता दे रहे हो आप। तो अभी मैम बताइए अपना नंबर जिसे कांटेक्ट करें आप लोग ये सब ऑर्डर कर सकते हैं। तो नंबर, मेरा कांटेक्ट नंबर है 8954118362। किरण पलड़िया, सुंदरपुर बेलवाल से। तो आप लोगों किसी को भी ये सामान कुछ भी पिसी लूड़ मंगाना हो या फिर भटकी दाल मंगानी हो, तो भटकी छुड़कानी बनाते हो तो आप लोगों ने देखा ही है मुझे, तो वही सब बनाना है तो आप लोग मंगा सकते हैं इनसे सामान। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो ये बताएंगे आपको मतलब अपने सारे के सारे प्रोडक्ट के बारे में जो इनने होम मेड बना रखा है खुद से, तो इसमें आपके पास क्या क्या है बताएंगे? ये मडुआ है। हाँ, ये 50 का। तो पहले तो आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम माया जोशी है। हाँ। मैं सुंदरपुर एकवार ग्राम सभा से हूँ। हाँ। संगठन की भी अध्यक्ष हूँ, अपने समूह की भी अध्यक्ष हूँ। तो मैंने यहाँ स्टॉल लगाया है, ये दिए तो बाजार के हैं, ये दिवाली के टाइम पर मैं लेके आई हूँ। घर की मैंने बत्तियाँ बनाई है और बतासे पैक किए हैं। अच्छा। और मडुआ है, घर का ही पिसा हुआ है। अच्छा, खुद से पिसवा हुआ? खुद का पिसा, अभी गरम है, अभी चक्की से लाए हैं। अच्छा, ये मक्का भी हमारे घर में होती है। अच्छा, मक्का भी मैंने जो बच्चों के लिए पिसवाया है। हाँ हाँ, जो मैं बच्चों को खिलाती हूँ अपने, वही मैं यहाँ लेके आई हूँ पैकिंग। तो आप लोग चने कॉन्फिडेंस देख ही सकते हैं, जो मैंने चने ये घर में जो मैंने घर में बोए थे वो मैंने है, और ये भट्टी हमारे सब घर का ही है सब। अच्छा, ये 50 का। ये अचार वगैरह कैसे दे रहे हो? मडुए का है ये सारी सारी पैक बना, क्योंकि बड़ा पैक बहुत कम लोग खरीदते हैं ना, जैसे हम 150 का अचार का डिब्बा बोलेंगे तो कोई नहीं ले पाता। हाँ, तो हमने 40 के पैक बनाए हैं छोटे छोटे। अच्छा, तो इसमें आंवले का अचार भी है क्या? आंवले का नहीं है, जो मिर्च का, करेले का, करेले की ज्यादा डिमांड है ना। अच्छा। करेला, मिर्च, करेले का हमारा कल भी बिक गया था और मडुआ भी हमारा कल सब निकल गया था। ओके, तो ये सब कुछ होममेड है ना? ये भी आपने खुद से बनाया है? ये हमारे साथ भी है, पार्टनर है, उसने बनाया है। अच्छा, बाकी उसकी अपनी शॉप है वहाँ समूह के, उससे समूह पैसों से लोन हो से हमने कॉस्मेटिक की दुकान खोली है घर पर, रोजगार अपना, तो उसका सामान भी थोड़ा यहाँ लाई है सेल करने के लिए। आपके समूह में कितनी औरतें होती हैं? समूह में 9, 6 से 12, 10, हमारे तो 10 है। 10? अच्छा, फिर समूह से मिलकर संगठन बनता है। हाँ। तो हमारा 7 समूह का एक संगठन बनाया है, उसमें 80 औरतें हैं। ओके। तो उनसे मिलकर जैसे किसी को टाइम है तो वो मिल जाती है हमारे साथ, और बाकी जो नहीं है तो घर में है, हमको व्यवस्था कर रहे हैं कि देखने तो आओ। जैसे नीचे लिखा है मेरे बीओडी सदस्य के नाम है हमारे, हंसी रहे सुनीता बोरा शांति, और ये हमारे समूह संगठन का नाम है ऊपर, ग्राम सभा सुंदरपुर। ओके, मुझे ये चीज चाहिए तो आप उसको भिजवा सकते हो?
हाँ ये एड्रेस पर आना पड़ेगा। हाँ अगर एड्रेस पता हो तो भिजवा सकते हैं। भिजवा सकते हैं हाँ। ओके तो आप अपना नंबर बता दो जिससे कि आपको लोग कॉल करके कहे कि मैम मुझे अचार चाहिए या फिर ये चाहिए, तो आप उसको भेज दो, वो आपको एड्रेस देगा अपना, तो आप उससे मतलब पैसे लोगे। हाँ, उतने के मतलब जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज पड़ रहा है उसके पैसे लोगे। तो आप अपना नंबर बता दो उसके लिए। 9528। हाँ बोलिए आप। 9528564115। ओके तो आप, तो अभी करते हैं मैम से बात। तो मैम पहले अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। मेरा नाम लीला विष्ट है। हाँ आप कहाँ से हो? मैं जीतपुर रेकवाल से। जीतपुर से, गोलापर में ना? गोलापर जीतपुर से। तो आपके उसका नाम क्या संगठन का? हमारा संगठन समूह का आशा स्वयं सहायता समूह। जी तो आप मुझे बताएंगे कि आपने अपने पास क्या क्या रखा है सामान? मैंने सामान पहले तो मैंने घर पे बनाया है, शक्कर पारे बनाए हैं। अच्छा। साउथ इंडियन डिश बनाई है। तो मैम ने साउथ इंडियन डिश बनाई है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा चटनी भी बनाई है। अप्पे, अप्पे साउथ इंडियन डिश, अप्पे, अप्पे बोलते हैं ना इसको। तो देख सकते हैं आप लोग मैम ने अप्पे बना रखे हैं, बड़े टेस्टी से लग रहे हैं। इसके साथ चटनी भी है। अच्छा ये भी होम मेड है। हाँ। बड़ी टेस्टी लग। बंद कर दो यार इसको। मन जा रहा है मेरा। अभी क्या आज अभी खा लेना मैम। अभी खेल मैम। अच्छा और ये, तो ये आप जो हमारी साड़ी पहनने के बाद वेस्ट होती है ना, तो ये वेस्ट वाले से कपड़े से बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। वेस्ट वाले से कितना अच्छा बना दिया, मतलब नीचे बिछाने के लिए ना ये बहुत मजबूत पायदान बना रखे हैं। अच्छे भी होते हैं, धोने के लिए भी अच्छे होते हैं बिछाने के। मैम ने पायदान बना रखे हैं, देख सकते हैं आप लोग कितने सुंदर सुंदर से लग रही है। तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत बड़ा भी है, बड़ा है। और मतलब वेस्ट कपड़े का भी यूज हो जाता है इसमें, और कपड़ा भी वेस्ट नहीं होता, और हमारे काम की भी चीजें बन जाती है। और ये स्वेटर वगैरह जो बुनी है सब आपने बुनी है? ये बनाए हैं। हाँ सर ये आपने बुन रखी है सारे स्वेटर वगैरह? अच्छा ये आपने अपने खुद हाथों से बुनी है ना, मशीन वाली तो नहीं है ना? मशीन वाला नहीं है। अच्छा तो और क्या क्या है आपके पास होममेड? ये हैं। अच्छा मोमबत्ती हमारी बनी हुई। अच्छा तो आप लोग देख सकते हैं दिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर, मतलब पहाड़ी वाले उसमें सजा रखी हैं। तो जिसको पहाड़ से प्यार है, किसी को कुछ सामान मंगाना है, तो आप लोग मैम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये मोमबत्ती खुद से बना? ये खुद बनाई है हमने। ये भी खुद से? मोमबत्ती अभी खुद बनी और प्योर मोम की बनी है। केमिकल नो केमिकल, ये पूरा कोई मोम पिघल जाता है। हाँ। और बच जाते हैं ना, जब ढेर लग जाता है, इनमें ढेर नहीं लगता। ओके क्योंकि ये जलते रहती है, ये कोई नहीं होती है। अच्छा तो आप इसमें क्या डालते हो? कुछ डालते हैं? डालते हैं कलर, डालते हैं रंगीन कलर, बस हो गया, बाकी प्योरिटी फुल है मतलब। हाँ। और ये अचार वगैरह का क्या है? ये अचार घर पे खुद ही बनाया, मसाला अपना बना के खाते हैं। अच्छा खुद से बना रखा है मसाला, अचार, अचार का मसाला, तो अचार भी खुद से बनाया है सारा। तो इसमें कहाँ कहाँ का अचार है? लाल मिर्च का अचार है, अदरक का अचार है, करेले का अचार, अदरक का अचार, करेले का बिज्ञा है, हरी मिर्च, नींबू, अदरक का भी अचार होता है, अदरक का भी अचार है। तो आप लोग देख सकते हैं जो अदरक नहीं खा पाते, जिसको अदरक खाना है तो ऐसे खा सकता है चार के रूप में। और ये शहद वगैरह भी सब घर का वाला है? अच्छा तो ये डिब्बे वाला है कि बॉक्स वाला है, जाले वाला है? बॉक्स वाला है। अच्छा तो ये तो बॉक्स वाला है। अच्छा थैंक यू मैम। तो अगर ना जैसे तभी तो आप दो दिन की सेल लगा रहे हो, तो इसके अलावा अगर सामान बेचना चाहो तो उसके लिए आप ऑनलाइन वगैरह बेचते हो कुछ? ऑनलाइन या ऑर्डर पे? कोई ऑर्डर देता है तो दे देते हैं। तो बेचते हो? तो ये क्या प्राइस है इसका स्वेटर वगैरह के? ये स्वेटर तो फुल बिनाई है ना, फुल आगे पीछे दोनों साइड बिनाई है, तो हम इसको 900 में 1000 तक बेच देते हैं। अच्छा तो अगर आप लोग को किसी को ऊन की हाथों से बिनी हुई स्वेटर चाहिए ऐसी। हाँ। और अपने साइज की बनवानी है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मैम से। मैम का नंबर मैम प्लीज। मेरा नंबर था 9058054483। ओके तो मैम ने अपना नंबर दे दिया है, बाकी मैं लिख दूंगी इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके इनसे बाय कर सकते हैं कांटेक्ट करके। तो कोई अगर आपको एड्रेस भेजे अपना, तो आप पोस्ट कर दोगे उसको? हाँ कर दोगे ना, पोस्ट ऑफिस जाके खाली पोस्ट ही करना है बस। हाँ। बाकी आप चार्ज अपना ले सकते हो ना, जितने रुपए आपके वहाँ लगेंगे आप वो चार्ज ले लेना। तो थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ भैया के स्टॉल पे, तो आप पहले अपना शुभ नाम बता देंगे प्लीज। मैम मेरा नाम स्पर्श है जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर स्टॉल लगाने का मतलब ये तो समूह वाला है ना? तो हाँ जी मैम, बट क्या हुआ कि एक्सेंट हमने देखा कि यहाँ पर एक स्टॉल लग रहा है, तो आई थॉट कि क्यों ना ट्राई कर रहे हैं हम। सो ये जो हमारी कंपनी है, जो भी हमारी खुद की बनाई हुई कंपनी है, इसमें हर एक प्रोडक्ट आपको हैंडमेड मिलेगा। बेसिकली ये मेन है कैंडल्स का, कैंडल्स जो कि नॉर्मल कैंडल्स नहीं है, ये कैंडल्स फ्रेग्रेंस देती हैं एंड ये नॉर्मल कैंडल से 3 गुना ज़्यादा जलती हैं। एंड हमारी जो जूफ कंपनी है वो गिफ्ट प्रोडक्ट्स भी पैक करती हैं, जो कि मतलब हमारे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स जा चुके हैं। सो वी थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, कि हम ऐसे भी पब्लिकली क्या लोगों का रिएक्शन रहता है ऐसे प्रोडक्ट्स देख के, बिकॉज ये एरिया इतना कमर्शियल नहीं है। सो वी आर ट्राइंग कि लोग
हाउ कैसे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हमारी कैंडल्स हैं, ये गिफ्ट आइटम्स हमारे, ये बॉक्सेस हैं। बेसिकली हमारा जो मेन है वो ऑनलाइन वेबसाइट चलती है, जो जूव हमारी वेबसाइट है, बट स्टिल ही हमने ट्राई किया। आप ऑर्डर ले सकते हो juvsustainableliving.com पे, आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास वहाँ पे होम डिलीवरी के भी हैं, सब कुछ सारी अवेलेबल फंक्शनैलिटी है। ओके, माइक लगाना पड़ेगा ना, माइक शुभ नाम, मेरा नाम हर्ष मलिक है और ये जो मेरी ब्रांड है जूव नाम नेम की है, और इसके हम ऑनलाइन भी इसको हम सेल करते हैं, पूरे ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, हैंडमेड भी है और प्रॉपरली हमारे जो है ये सेंटेड कैंडल्स पे सबसे पहले डील करती है हमारी जूव जो है। तो इसमें क्या है कि ये हमारे सैंडलवुड की बनी हुई है फ्रेग्रेंस की। ओके, ये हमारी वेनिला है और ये भी हमारे फ्रेग्रेंस आएगी और इसका बर्न टाइम है 24 आवर्स। और ये आपके सेट ऑफ 4 है 160 के, और बाकी सबके अलग अलग रेट्स हैं, जैसे लाइक इसके आपके सिंगल पीस के 149 है। तो अगर ऑनलाइन जो ऑर्डर करेंगे उसमें सेम प्राइस है, सेम प्राइस है, और इसमें कैप थोड़ी ना है। हाँ जी, कैप थोड़ी है इसमें, कैप इसमें है ना बस। ये हमारा जार है। अच्छा, इसमें आप कुछ भी मतलब स्मॉल एसीरीज रख सकते हो, आप घर की जितनी भी है वो आप रख सकते हो, और बाकी आप ट्रेज इसमें आप बाथरूम में भी यूज कर सकते हो, अपने वॉशरूम्स में भी यूज कर सकते हो और अपने लिविंग रूम में भी यूज कर सकते हो। तो आप लोग इनकी वेबसाइट से आके ले सकते हो सामान। तो ये लिखा हुआ है इसमें, देख रहे जूव करके, और ये हमारी ब्रांड की सबसे मिलेगा, ये हमारी ब्रांड की सबसे लग्जरी और मॉडर्न सेंटेड कैंडल्स है। इसमें और भी है हमारी, ये पूरी अच्छा ट्रैंकलिंग पिलर है, ये पूरे प्रॉपर हमारे, आप इसमें कस्टमाइजेशन भी करवा सकते हो इस कैंडल्स। अच्छा, अगर आपकी कोई ऑर्डर होगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी आप कैंडल बनवा सकते हो, अगर आपको कैंडल को शेप में चाहिए पर्टिकुलरली, लाइक कोई नाइट प्लान होती है तो उसके लिए भी हम पूरा डेकोरेशन वगैरह कैंडल्स की सप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हल्द्वानी में है? हाँ जी, हल्द्वानी में भी है ये और सितारगंज में भी है। हल्द्वानी में धार में बरेली रोड हल्द्वानी, ये केसरवानी कॉम्प्लेक्स जो है अपना हमारा वहाँ पे, और बाकी पूरा हमारा प्रॉपर ऑनलाइन है। डिलीवरी ऑल पैन इंडिया, डिलीवरी पैन लेना हो ना लोकल वाले आके ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल लोकल वाले बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी करते हैं मैम से बात, वो बताएंगे अपने नाम और अपने समूह का नाम। तो मैम अपना नाम बताएंगे प्लीज। मेरा नाम दीक्षा रावत है। हाँ, मेरा समूह तो चेतना स्वयं सहायता समूह है, बट मेरा पर्सनल काम है दीक्षा हैंडीक्राफ्ट के नाम से। वो बैनर लगा हुआ है वहाँ, कल वहाँ लगा था, आज यहाँ पे लगाया। तो मेरे सारे हैंडमेड चीजें हैं, ये सारी चीजें हैंड वगैरह देख सकते हैं आप, इनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें देख सकते हैं, एकदम मस्त लग रहा है। पर्स आप लोग बाय कर सकते हैं, मतलब अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग सब कुछ बाय कर सकते हैं। ये बड़े सुंदर सुंदर बना रखे आपने, तो ये आपने हाथ से बनाए हैंडमेड है सारे? हैंडमेड है ये सारे, हैंडमेड है। ओके, ये स्ट्रैप के ब्लाउज लेडीज वुलन सारा हाफ स्वेटर। हाँ जी, तो ये क्या प्राइस के हैं आपके पास? ये 350 का है, ये वाला 320 वाला है। ओके, ये 320 का है, तो इसको ब्लाउज की तरह भी यूज कर सकते हो वैसे भी, और वूलन गरम का गरम और ब्लाउज के में भी यूज जाएगा, स्वेटर भी पहन सकते हो। तो और ये रबर बैंड भी आपके? हाँ जी मैम, ये खुद से देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर सजा रखे हैं। तो अभी ठंडी के दिन आ रहे हैं, तो जिसको लेने हैं वो पहुंच जाए यहाँ पे, आज का दिन है आपके पास। बाकी अगर जिसको टाइम नहीं हो पा रहा आज, उसके लिए मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी। तो इनके पास सॉक्स वगैरह भी हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे सॉक्स, और थोड़े प्यारे प्यारे से बना रखे हैं इनने। ये वो है बैंड कान वो करने के लिए। यस, आजकल लोग टोपी पहनना कम पसंद करते हैं, तो ये इस तरीके से आ जाए। तो आप लोग आ सकते हैं, बाय कर सकते हैं इनकी शॉप से। तो स्वेटर वगैरह भी बुन रखी है इनने, इसमें जेंट्स वाले स्वेटर भी हैं? हाँ मैम है, हाफ स्वेटर है भी, फुल स्वेटर तो निकल जाती है ना, हैंडमेड जल्दी हो जाती है। तो ये हाफ स्वेटर कैसे बेच रहे हो आप? ये 600 का। ओके, 600 का। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर बना रखे हैं। तो कुछ ऐसा सा है इनके यहाँ पूरा सामान। तो आप अपना नंबर बता देंगे जिससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? हाँ, 7500106918। ओके, तो आप मैम से ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं सामान। तो आप जब भी ले तो उनको बताएं कि मैंने इसके थ्रू लिया है, मतलब मेरे चैनल का नाम आप लोग को पता ही है दोस्तों। तो आप लोग कह सकते हैं उनसे, और ये आपके पास भेज देंगे कुरियर के द्वारा, या कैसे भी आप लोग के साथ बात हो सकती है। तो मतलब लोकल वाला तो जाके भी ले सकते हैं ना आप? कहाँ पे? ये खेड़ा में। खेड़ा में ना, मेन रोड में होगा। ओके, तो आप लोग खेड़े में जाके भी ले सकते हैं। जिस जो नहीं ले पा रहा है, जो दूर से मतलब जिसको किसी को बार बाय करना है ठंडी के लिए स्वेटर लेने या कोई भी कुछ भी लेना है, तो आप लोग इनका कॉन्टेक्ट नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके आप इनसे ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम आपने बताने के लिए। ओके मैम, थैंक यू। तो मैम अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम हीना है। और कहाँ से हुआ? मैं गोलापार से, खेड़े से। तो ये आपने जो बना रखे है सारे के सारे, ये होते किस चीज का है? ये धागा होता है माइक्रम का,
ओके, तो ये मतलब कैसे बनाते हैं इसको? हाथ से बिन के बनाते हैं। तो ये सारे आपने खुद से बना रखे ना हाथ से, तो इनके प्राइस बता देंगे आप? प्राइस बता देती हूँ, ये 700 का है, ये 500 का है, ये 400 का है, और ये 1400 रुपए का जोड़ा है, ये भी 500 का है, ये 450 का है। तो ये डेली वाला है ना, डेली में लगाने के लिए? पकड़ के दिखाना इसको। तो ये डेली में लगाने के लिए होता है, जैसे शुभ दीपावली लिखा था ना, वैसे इनने हाथ से बना रखा है। इसका बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, मैंने मतलब देखा है ना लोगों के पास, मतलब बनाते हुए देखा है, तो पता आता तो है नहीं मुझे, पर देखा जरूर है। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग को अगर किसी को लेना है, अगर रूम डेकोरेट करना है उसके लिए ये सब लेना है, तो आप लोग इनके पास जा सकते हो, मतलब बनवा सकते हो कुछ भी। तो अगर इसमें कुछ और भी बनवाना चाहिए अपने हिसाब से, कलर कुछ बन जाता है, आप कुछ भी बना सकते, ऑर्डर पे बना सकते हो ना, ऑर्डर पे बना सकते हो। तो आपका नंबर वगैरह कुछ, कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ, नंबर है 6398532386। ओके, नंबर है, कोई किसी को भी अगर बनवाने हो कॉन्टेक्ट कर लो, और कोई से भी कलर बनवाने हो कुछ भी बना सकते हैं, डेली डिजाइन, गणेश जी और फ्लावर पॉट, शीशे। तो ये देख सकते हैं मिरर बना रखा है इनने, बहुत सारा सा रूम में लटकाने के लिए किसी को चाहिए, तो इसमें रखने के लिए फॉर्म वगैरह रखने के लिए, ये कंघी और तेल रखने के लिए, ये क्लचिंग रखने के लिए है आपका। ओके, ये 5 का पड़ेगा मैम। तो देख सकते हैं इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर है, तो थैंक यू मैम। तो दोस्तों अभी करते हैं आंटी से बात, आंटी अपना नाम बताएंगे प्लीज। मेरा नाम चंदिकला, ग्राम पंचायत बसंतपुर, हाँ, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से जी। हाँ, तो आप हम बताएं? सब अपने घर में बनाते हैं, करेले का अचार है, लहसुन का अचार है, पहाड़ी नमक है। तो ये करेले का अचार चल जाता है? हाँ। इसको आप बनाते कैसे, कुछ बताएंगे रेसिपी वगैरह कुछ इसकी? इसको फ्राई करके तेल में, ऑयल में फ्राई करके, मतलब जैसे काटो पहले, फिर फ्राई कर लो तेल में, फिर बनाओ। लहसुन का भी ऐसे बना रखा है। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं? सेम बना रखी है, सेम एक घर की होम मेड। हाँ, मतलब कौन से वाले ऑयल में बना रखी है आपने? रिफाइंड में। और ये क्या क्या चीजें आप बताएंगे क्या करके मुझे? ये नमक है, भांग का, एक भांग और अलसी का। अच्छा, अलसी का, और भी बहुत तिल का बना रखा है, तिल का और एक भांग का है। अच्छा, भांग का, तिल का और अलसी का नमक। हाँ, तीन नमक इनके पास अवेलेबल है। पिसी लूण कहते हैं जिसको पहाड़ी। हाँ, पिसी लूण सिलबट्टे है। अच्छा, सिलबट्टे में पिसा वाला है? हाँ, पक्का? हाँ, पक्का क्या, बहुत बिक गया मेरा तो ये लहसुन कल फिर रात में बनाया मैंने, कल सारा बिक गया था, कल तो अचार ही बिक गया था। अच्छा, सिलबट्टे का है, फिर लेके जाना, तभी तो टेस्ट पता चलेगा कैसा हो रहा करके। अच्छा, और ये आटा वगैरह कहाँ का है? ये मटिया का आटा घर का ही है। और ये गेरू है जो लगाते हैं ना, अभी दीपावली आ रही तो उसके लिए डेली में लगाते हैं। हाँ, वो उसको शुभ माना जाता है ना। ओके, तो ये आप कहाँ से, बाजार से लाए उसको? हाँ, ये तो खैर मार्केट, ये मार्केट का, ये अलसी है। और होममेड वाला क्या है? अलसी अपने खेत की उगाई, पैकिंग फिर घर में की है। अच्छा, तो खेत की अलसी है। हाँ, अलसी। इसका यूज कहाँ पर होता है वैसे? इसकी चटनी होती है, ये अलसी का नमक तो है। अच्छा, ये भून के और अच्छा है, काम आता है, चटनी होती है इसकी अलसी की, नमक भी होता है। अच्छा, उसके लिए भी यूज होता है? मैंने, मेरे को बस इतना पता है कि हेयर में यूज होता है, बालों में। हाँ, हेयर के लिए भी, और अलसी का नमक भी होता है और वो भी होता है, चटनी। हाँ, और ये और सब चीजें, ये है लहसुन। अच्छा, का ये राजमा, ये देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ी लहसुन। हाँ, मतलब चाइनीज वाला नहीं है, पहाड़ी वाला लहसुन मिल जाएगा घर में। और ये धनिया के पाउच, धनिया घर का है? हाँ, ये भी, ये जखिया है, ये खड़ा मसाला। अच्छा, ये हल्दी है, सब होम मेड। अच्छा, और ये सब क्या है? ये तो ये काबुली चने घर में है। हाँ, ये भी घर के हैं, और ये राजमा काबुली चने घर के। हाँ, यहाँ गोलापार में होते हैं। अच्छा, और ये दाल पहाड़ की राजमा। अच्छा, तो पहाड़ी राजमा अगर किसी को चाहिए या फिर कोई भी चीज चाहिए इसमें से, मतलब किसी लूर अलसी का और भी बहुत सारे नमक है इसमें से, अगर किसी को चाहिए तो आप लोग आके बाई कर सकते हैं। तो मैम अपना नंबर बता दीजिए आप, 6393926568 54। तो अगर किसी को ऑनलाइन लेना हो तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं सब सामान? कर देंगे, अब आइडिया आ जाएगा धीरे धीरे, तो हाँ ना। हाँ, धीरे धीरे कोई आपको एड्रेस देगा। हाँ, तो आप उसमें मतलब कॉल करेंगे। हाँ, आप उसको भेज देंगे ना? नमक तो मेरा बाहर भी जाता है, बाहर भी जाते रहते हैं। अच्छा, एक बार दिल्ली मेरे वो है ना, अजय भट्ट, तो मैम बता रही हैं, अजय भट्ट, तो मैम बता रही हैं, तो वहाँ भी बाहर भी जाता है इनका नमक भी सवा, तो आप इनसे बाय कर सकते हैं। नंबर बता ही दिया मैंने आपको। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आंटी का तरीका, चाइनीज वाला नहीं है, पहाड़ी वाला है। ब्लॉग को करते हैं, परिंद मिलते हैं, अब सीधे घर जाइए, घर चलते हैं, थोड़ा काम धाम करते हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।